चलिए करते हैं श्री गणेश। दोस्तों आज मैं दो गाड़ियों का कंपैरिजन करने वाला हूं यार। एक है ओला S1 Pro Gen 2 मॉडल, जो कि अपने आप में बेमिसाल गाड़ी है, बड़ी कमाल की गाड़ी है। दूसरी गाड़ी हमारे पास है दोस्तों रिवोट NX100। दोस्तों ये गाड़ी के फीचर्स वगैरह जो टीजर वगैरह निकल के आ रहे हैं, इस हिसाब से लग रहा है ये ओला को भी खा जाएगी। चलिए जानते हैं स्पेसिफिकेशन वाइज। हालांकि आपको स्पेसिफिकेशन पहले से पता होगी ओला S1 Pro Gen 2 की, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं रेंज की। दोस्तों 195 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज मिलती है। हालांकि ये एक्चुअल रेंज नहीं है दोस्तों, ये सर्टिफाइड कुछ आइडियल कंडीशन में मिलती है। एक्चुअल रेंज आप मान के चलो जेन 1 मॉडल में जो मिलती है 130 से 140 तक रियल वर्ल्ड रेंज मिलती है, तो आप मान के चलो 20 किलोमीटर ज्यादा मिलेगी, 160 या 170 किलोमीटर तक मिल जाएगी आपको। आपको बता दें दोस्तों इसमें 11 किलोवाट का पीक पावर देखने को मिलता है। पूरे ईवी इंडस्ट्री में इतना हैवी मोटर किसी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में नहीं लगाया गया है। 120 किलोमीटर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अंदर कोई भी इससे तेज नहीं है। फुली फीचर लोडेड गाड़ी है यार। इसमें हर चीजें सॉफ्टवेयर से होती है, गाना बजाना, पार्टी मोड वगैरह बहुत कुछ मिलता है इसमें। यानी फीचर में कोई कमी नहीं है। आपको इसमें मिड ड्राइव मोटर देखने को मिलता है, 4 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिलता है, 34 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। 0 to 40 मात्र 2.6 सेकंड में जा सकती है। इसमें ग्रैब रील वगैरह भी आता है, फ्लैट फुटबोर्ड भी देखने को मिलता है। ये स्कूटर कहीं कहीं पूरा ओवरऑल प्रैक्टिकल स्कूटर निकल के आता है। ओला S1 Pro Gen 1 में कुछ दिक्कतें थी, लेकिन Gen 2 यार जैसा लोगों को चाहिए सेम टू सेम वैसा स्कूटर है। पावर है, परफॉर्मेंस है, फीचर्स है, सब कुछ है। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो 1,47,500 इसकी करंट प्राइस है। और इसी के साथ दोस्तों इस गाड़ी को कोई भी कंपनी अभी तक बीट नहीं कर पा रही है, इतनी खतरनाक गाड़ी है। लेकिन रिवोट NX100 दोस्तों लग रहा है कि इसको खा जाएगी, क्योंकि अगर फीचर्स की बात करें जो टीजर वगैरह निकल के आ रहा है दोस्तों, फीचर में भी गाड़ी कमाल की लग रही है। हाइड्रोलिक बूट स्पेस वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, प्रॉपर सेंसर वगैरह आप देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको कैमरा देखने को मिल रहा है, LED लाइट्स देखने को मिल रही है, यानी लगभग बहुत सी चीजें देखने को मिल रही है। पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी ना हो वो बाद में पता चल जाएगा हमें। बता दें दोस्तों आपको ये पूरा स्क्रैच से बनाया जा रहा है, यानी जीरो लेवल से इसको पूरी कंपनी इनबिल्ट डेवलप कर रही है। कहीं से कोई पार्ट मंगाया नहीं जा रहा, जितनी चीजें हैं सब कुछ ये लोग इन हाउस डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसमें आपको मिड ड्राइव मोटर देखने को मिलने वाला है। अब हालांकि ओला ने एक लेवल सेट कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल का कि कम से कम इतनी चीजें तो होनी चाहिए, तभी वो टक्कर दे पाएगी। तो इनको भी कहीं ना कहीं पावर ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी लानी पड़ेगी। आपको दोस्तों 6 किलोवाट का मिनिमम मोटर देखने को मिल सकता है, और मैक्सिमम अगर लोग अच्छी खासी ले आते हैं तो 11 किलोवाट का भी मिल सकता है और 8 किलोवाट का भी मिल सकता है। इसमें भी आपको 4 किलोवाट की बैटरी देखने को मिलेगी। बूट स्पेस मिनिमम 25 लीटर का तो आएगा ही आएगा। डिजाइन वगैरह इस गाड़ी के कर रहे हैं यार, आप देख लो, बढ़िया मजा लगता है। डुअल सस्पेंशन वगैरह आते हैं, यानी हर चीजें आती हैं जितनी बेसिक नीड्स होती हैं। लगभग इसके दो कलर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ओला S1 Pro Gen 2 में 5 कलर आपको देखने को मिलते हैं। चार्जर वगैरह की भी इमेजेस वगैरह आ चुकी है रिवोट NX100 की तरफ से। गाड़ी का नाम भी कंफर्म हो चुका है, रिवोट NX100 ही होने वाला है। अगर बात करें दोस्तों प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग भी इनको अच्छी खासी एग्रेसिव प्राइसिंग रखनी पड़ेगी। भले वो बाद में इंट्रोडक्टरी प्राइस रखें, लेकिन इनको रखनी पड़ेगी अच्छी खासी प्राइसिंग रेंज, क्योंकि सारा खेल प्राइस का आ जाता है। अब रेंज लोग अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, 280 किलोमीटर की रेंज दे रहे हैं। अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कूटर नहीं दे पा रहा है इतनी रेंज। तो जिस हिसाब से रेंज, उस हिसाब से इनका प्राइस 1,70,000 के नीचे ही आना चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि 1,50,000 के अंदर अगर ये स्कूटर आ गया ना, कसम से ओला खा जाएगा, ओला किलर बन सकता है ये। हालांकि ओला कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी, इसके बहुत सारे सर्विस सेंटर वगैरह ओपन हो चुके हैं, भले वो काम नहीं करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, लेकिन खुल चुके हैं, नाम के ही हैं, लेकिन है तो सही। अगर रिवोट की बात करें तो सबसे पहले साथ बेंगलुरु में लॉन्च करेंगे, उधर ही देंगे सर्विस वगैरह, फिर धीरे धीरे ओवरऑल इंडिया में अपना विस्तार फैलाएंगे। इनको भी दोस्तों फंडिंग वगैरह मिल चुकी है, हल्के में मत लेना भैया। ये लोग गाड़ी अगर किलर ला दिए ना, तो ऑटोमेटिक कंपनी किलर बन जाती है, क्योंकि ओला कंपनी इसीलिए आज सबसे बेस्ट पे है क्योंकि इनकी गाड़ी एक नंबर की जोरदार गाड़ी थी। आज भी मार्केट के अंदर कोई इन्हें कॉम्पिटिशन नहीं दे सकता, चाहे वो 3 लाख की TVS X ही क्यों ना हो, उससे भी जबरदस्त गाड़ी देखने को मिलती है ओला की। बाकी रिवोट भी किसी से कम नहीं है। एक बार इसका लॉन्च इवेंट हो जाए, बहुत जल्द होने वाला है, हफ्ते भर के अंदर इसका लॉन्च हो जाने वाला है, तो फिर देखते हैं क्या कैसा रहता है, फिर एक और कंपैरिजन वीडियो लाया जाएगा। तो गणेश चतुर्थी यार लिखे कमेंट में, लिख दो, लाइक करो, शेयर करो, जय हो।